फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, सीधा सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि थोड़ा गला खराब होने के कारण आवाज आज भी थोड़ी वीक ही आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके मोबाइल पर बहुत सारे मोबाइल पर आपको SMS मिला होगा कि आपके जो सिम कार्ड है उसके जो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल है वो बंद होने वाली है, तुरंत ही बंद हो जाएगी यदि आपने उसे 23 रुपये का रिचार्ज नहीं कराया, 35 रुपये का रिचार्ज नहीं कराया। तो ये सारा का सारा फंडा है क्या, क्यों कंपनी ऐसा कर रही है, कौन कौन सी कंपनी ऐसा कर रही है, हम कैसे बचे इनसे, कैसे रिचार्ज कराए, हमारे सेकेंडरी सिम है हम उस पर रिचार्ज कराने चल नहीं चाहते तो उसको ओपन रखने के लिए क्यों रिचार्ज कराए है, ये सारा का सारा फंडा क्यों कर रही है कंपनी है, और क्या है ये मैसेज, क्या है इसके बारे में सूचना, क्यों जियो और BSNL इनसे बेटर है, क्या है इनका सारा का सारा सिस्टम, वो सारा का सारी बातें ये हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल और हम सीखेंगे आज एक नए टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ये आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन इन तीनों कंपनियों को ना एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन लोगों ने ना इनके ओनर्स ने कंपनी से जो है पैसे ऐंठने के लिए जो है बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है। देखिए इनसे इनकी बराबरी, ये जियो से जब अपनी बराबरी नहीं कर पाए, मेरा मतलब है कि जब जियो मार्केट में आया तो इसने नए नए ऑफर चलाए, बहुत फ्री में दिए, तो इन्होंने क्या किया, जियो के बराबर ऑफर्स निकाल दिए। जैसे 399 का रिचार्ज कराते हैं 3 महीने तक के जो है ऑल डेटा फ्री रहेगी, इसी तरह से बहुत सारे रिचार्ज इन लोगों ने निकाले। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इन सिम ने भी उनकी देख में निकाल दिया कि इस तरह से तो हमारी कंपनी जो बंद पड़ जाएगी, ठप पड़ जाएगी। तो इन सभी को रिचार्ज तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन अब उन्होंने ऐसे देखा कि ऐसे तो हम पैसे नहीं कमा सकते। सबसे पहले उन्होंने जियो के बराबर ऑफर निकाले, ऑफर निकालने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ऑफर को चलाते रहे, वो धीरे धीरे ऑफर को चलाते रहे। ऑफर को चलाने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हमारे ग्राहक अब जुड़ चुके हैं, हमारे कंपनी से पूरी तरह से जो है कनेक्ट हो चुके हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो उन्होंने अब क्या किया कि यार ये जो उपभोक्ता है हमें कुछ तो दे रहे हैं जो हमारे साथ परमानेंट कनेक्टेड है, पर कुछ लोग क्या करते हैं जियो को सेकेंडरी सिम बना लिया और जो एयरटेल आइडिया है उनको जो है प्राइमरी सिम के रूप में यूज करते हैं। मेरा मतलब कि दो सिम फोन में रखते हैं, एक पर जो उनकी पर्सनल सिम होती है जैसे आइडिया एयरटेल वोडाफोन वाली, एक में जियो वाली जिससे वो कॉल कर लेते हैं, दूसरी आइडिया एयरटेल वाली। तो कुछ लोग जो एक्टिव नहीं है, जो मतलब अपनी सिमों को बंद रखे हुए हैं, मतलब उनमें कॉल आता है जाता है, मतलब वो कॉल आने जाने के लिए है सिर्फ, उससे कोई खास यूज नहीं करते, इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करते। तो उन ग्राहकों को एक्टिव कराने के लिए और अब उनसे पैसे लेने के लिए उन्होंने कुछ पैक्स निकाले हैं। उन्होंने निकाले हैं कि 23 रुपये, 35 रुपये और ऐसे कुछ पैक्स है जो आपके मोबाइल पर SMS आते होंगे। तो उन पैक्स जो ये पैक्स आ रहे हैं, तो उन पैक्स का यदि आपने रिचार्ज नहीं कराया अपने सेकेंडरी सिम में, तो वो सिम आपकी जल्द ही बंद हो जाएगी, और जो है 90 दिन तक यदि आपने रिचार्ज नहीं कराया तो बंद हो जाएगी, वरना यदि आपने अभी तुरंत जो है उनके जो डेट दी हुई है उस तक आपने रिचार्ज नहीं कराया, 23 और 35 रुपये से जैसे कुछ पैक है उनका आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो जल्द ही जल्द आपकी सिम की आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल दोनों बंद कर सकती है, और बंद करेगी। इनकमिंग कॉल तो बंद वैसे ही करेगी और आउटगोइंग कॉल भी जो है बंद होएगी। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि आपकी जो मान लीजिए आपने सिम रखी हुई है, आपका बैलेंस है, आपने 23 रुपये का बैलेंस कराया, तो उस 23 रुपये के बैलेंस पर भी जो है उसने फिक्स वैलिडिटी दे दी कि 23 रुपये का बैलेंस है तो आपको सिर्फ उसकी 28 दिन की वैलिडिटी दी जाएगी, मतलब 28 दिन तक वो बैलेंस आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा उस बैलेंस को आप नहीं रख सकते। मेरा मतलब कि 28 दिन तक आपने रिचार्ज कर लिया, 28 दिन तक का बैलेंस हो गया और 28 दिन बीतते ही आपने का बैलेंस है खत्म हो या नहीं हो, आपको 23 दिन 28 दिन बाद पुनः रिचार्ज कराना होगा, वरना आपकी सिम बंद, यदि 90 दिन तक आपने ऐसा नहीं किया, यदि आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपकी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगी। दोस्तों ये तो वही बात हुई, गाड़ी भी मेरा, पेट्रोल भी मेरा, और जो है हर एक रास्ते पर चलने के लिए आपको अलग 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 टोल टैक्स पे करने होंगे, भरने होंगे। तो यही बात होगी कि मोबाइल भी मेरा, सिम भी मेरी, बैलेंस भी मेरा, उसके बावजूद भी मैं उस बैलेंस को खर्च करने के लिए भी अलग से वैलिडिटी वाले ऑफर दूं। जैसे एयरटेल ने दे रखा है अभी 23 रुपये का रिचार्ज है तो उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, मात्र आपको कोई टॉक टाइम नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपने 35 रुपये का रिचार्ज करा रखा है, उसी रिचार्ज की 23 रुपये में वो वैलिडिटी 90 दिन तक कर देगी बाद में, मतलब आपका ही मोबाइल, आपका ही रिचार्ज, और उस रिचार्ज को यूज करने के लिए भी अलग से रिचार्ज आपको पे करना होगा। ये सारी इस तरह से हमें लूट रही है और अपने आप को पैसा कमाने के लिए बहुत ऊंचे मंच पर जाती जा रही है, बहुत ऊंचे स्टेज पर अपने आप को ले जाना चाहती है।
हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनसे कैसे बचे। देखिए दोस्तों, दो जो है सिम कार्ड है, एक जियो, जिसने ऐसा कोई ऑफर तो आप जियो को यूज कीजिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यार जियो जो है 4G के मोबाइल्स में सपोर्ट है, हम तो नॉर्मल फोन रखते हैं, 3G फोन रखते हैं। तो देखिए दूसरी सिम है बीएसएनएल, आपका बीएसएनएल नाम की एक सिम का नाम सुना होगा, जो आप सेकेंडरी सिम के रूप में यूज कीजिए। देखिए बीएसएनएल कंपनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो भी ऐसे पैक्स लेकर आ रही है, लेकिन वो 36 रुपए में 90 दिन तक जो है पैक लेकर आ रही है। मतलब 36 रुपए का रिचार्ज आपके 90 दिन की वैलिडिटी के साथ, मतलब 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। लेकिन दूसरी बात यह आ जाती है कि यार 90 दिन की वैलिडिटी तो है, लेकिन क्या ये सिम भी जो है उनकी तरह पैक नहीं रखेगी? तो देखिए दोस्तों, मैं इसके पर आप पक्का अभी निश्चित नहीं हूँ कि जैसे बीएसएनएल भी मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक ये पैक अप्लाई रखने वाली है, क्योंकि इन सभी कंपनियों को देखकर वो भी अपना फायदा जरूर निकालेगी। तो ये हो गई इन सभी कंपनियों की बात। अब दूसरी बात कर सकते हैं कि यार इनके लिए कर क्या सकते हैं। अब हमारे पास कोई शिकायत का कोई ऑप्शन नहीं, तो आप शिकायत भी करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी को पूरा अधिकार है। क्योंकि अगर यदि आप शिकायत करेंगे तो उसने कंपनी ने सिर्फ इतना उपाय निकाला है, आपको सिम बंद करने के 28 दिन पहले आपको मैसेज द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को ये मैसेज मिल चुका है, इसलिए उन्होंने मुझे कमेंट्स करके और ऑफिशियली बहुत बार पूछा है, और इस तरह का आपको मैसेज आया होगा और मुझे भी मैसेज आया था। चूंकि मेरे वो सिम कार्ड है वो मैंने बंद ही करा दी, क्योंकि मुझे उसका कोई यूज नहीं था। तो इस तरह से देखिए ये आपको लूटने में लगे हुए हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि यार शिकायत तो आप सुन नहीं रहे, अब कौन सा ऑप्शन है? देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार एक ऑप्शन है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन? हम पोर्ट के लिए जब भी मैसेज भेजेंगे तो कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा और वो पूछेगी कि आप पोर्ट क्यों करवाना चाहते हो। तो वो आप उसमें जो है अपना क्या अपनी जो शिकायत दर्ज करेंगे, कंपनी को फोन करेंगे और उनको कहेंगे हम पोर्ट इसलिए कराना चाहते हैं कि बीएसएनएल तो 36 रुपए में 90 दिनों के लिए दे रही है, और आप आइडिया एयरटेल वोडाफोन वाले जो है इस रिचार्ज को सिर्फ 28 दिन के लिए दे रहे हो, तो मैं उस सिम में इसको पोर्ट कराना चाहता हूँ। तो हो सकता है आपको जो है स्पेशल ऑफर दे दे, थोड़ी उसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। बिल्कुल ये पॉसिबल है। जो कमेंट्स करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये आइडिया मुझे बताने के लिए। बहुत ही अच्छा जो है ये ऑप्शन है, इनको बताने के लिए बहुत ही अच्छा जो है अच्छा आइडिया मुझे दिया है। बिल्कुल आपके नंबर के स्पेशल और नंबर्स के लिए स्पेशल ऑफर दे सकते हैं, लेकिन जो ग्राहक जागरूक नहीं है उनको तो पता ही नहीं यार पोर्ट कैसे करते हैं। तो 1 रुपये लगता है, पोर्ट का मैसेज भेज दीजिए और इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ ऑफर मिल सकता है। देखिए हम सिम को बंद नहीं कर सकते, हमारी ऑफिशियल सिम्स होती है, सिम कार्ड्स को बंद नहीं कर सकते, इन सभी का उपाय यही था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब हमारे चैनल वीडियो को प्रमोट कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं। तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन यानी सूचना मिलती रहे और आप आगे सीखते रहे और ऐसी जानकारी में आपको दे सकूं और जन जन को जागृत कर सकूं। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।